हाँ दोस्तों, बस कुछ ही देर में परीक्षा शुरू होने वाली है और उससे पहले हम आपके लिए लेके आ चुके हैं सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के वायरल प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, वायरल प्रश्न कहे तो सीधे आपके परीक्षा में उतरने वाले प्रश्न लेके आ चुके हैं हम इस वीडियो में। आपको हम बताना चाहेंगे, चाहे आप फर्स्ट सिटी में एग्जाम देने वाले छात्र है या सेकेंड सिटी में देने वाले है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप सभी तमाम छात्र एवं छात्रों के लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। सीधे अभी आपको परीक्षा में यहाँ से काफी सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। एक एक प्रश्न वायरल प्रश्न है, सीधे आपको एक एक प्रश्न को लेना है और परीक्षा में जाके छाप देना है। आपको हम बताना चाहेंगे, हमारे पास समय बहुत कम है, सीधे आपको हम ऑप्शन बताते चलेंगे, आपको रटते जाना है, माइंड में सेटअप करते जाना है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। फटाफट आप लोग इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, सीधे आपको हम लेकर चलते हैं वायरल प्रश्न की ओर। तो चलिए, यहाँ पर फर्स्ट नंबर प्रश्न है, 1/√2 है एक, यानी कि 1/√2 है एक, तो ये जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर यदि अल्फा तथा बीटा दीर्घात बहुपद है px = x² + 2x + 3 के शून्यक हो तो अल्फा बीटा का मान होगा, तो ये जो हो जाएगा यानी कि 3 हो जाएगा, राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर जो है 3 नंबर प्रश्न है, बहुपद 4x² + 5√2x - 3 के शून्य कौन से हैं, तो ये जो शून्य हो जाएगा आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं -√2/2, यहाँ पर √2/4 हो जाएगा, राइट आंसर जो यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 15,870 है एवं उनका मौसत 23 है तो उनका लसा होगा, तो ये जो लसा जो हो जाएगा 690 हो जाएगा, राइट आंसर जो आप लोग को 4 का ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है, यदि a = 2q×3π/3×5π/4 और b = 2π/3×3π/2×5 तब मसा यहाँ पर ए बी होगा, तो यहाँ पर मसा का ए बी जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा 180, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, तो ये जो है 1/(x-1) जो है यहाँ पर बहुपद नहीं है, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, 7 नंबर है, समीकरण निकायो x + 2y - 8 = 0 तथा 2x + 4y = 16 का है, तो ये जो है क्या है, अनंत हल है, तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, 8 नंबर है, यदि किसी दीर्घात बहुपद के शून्यकों का योगफल 4 एवं गुणनफल 1 है तो वह दीर्घात बहुपद होगा, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि जो यहाँ पर x²-4x+1 हो जाएगा, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, 9 नंबर है, यदि समीकरण निकायो 4x + ky + 8 = 0 एवं 2x + 2y + 2 = 0 का एक अद्वितीय हल हो तो क्या होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, तो यानी कि के बराबर नहीं, यहाँ पर 4 हो जाएगा, राइट आंसर जो आप लोगों को क्या, बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन दीर्घात समीकरण है, तो ये जो निम्नलिखित में दीर्घात समीकरण 2x²-5x = x-1² जो यहाँ पर हो जाएगा, तो राइट आंसर जो यहाँ पर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर 11 नंबर है, यदि समीकरण x²+bx+c = 0 के मूल्य एक दूसरे व्युत्क्रम हो तो क्या होगा, यानी कि ये जो हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं, इसका राइट आंसर जो आप लोग को सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर 12 नंबर है, दीर्घात समीकरण x²-6x+2 = 0 के मूलों का योग है तो क्या है, तो यानी कि 6 है, राइट आंसर जो आप लोग को सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर जो है x = 6 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, यानी कि वाई अक्ष के समानांतर हो जाएगा, तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा नियामक एक्स अक्ष पर एक बिंदु है, तो ये जो हो जाएगा यानी कि जो है 2, 0 हो जाएगा, राइट आंसर जो है ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर 15 नंबर है, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए एवं सर्व अंतर डी हो तो उस एपी का एनवा पद होगा, तो क्या हो जाएगा, तो यानी कि जो है a + n-1 d हो जाएगा, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, 16 नंबर है, समानांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 300 पद है, तो इसका 300 पद जो हो जाएगा 77-77 जो यहाँ पर हो जाएगा, राइट आंसर भी सही है। 17 नंबर प्रश्न, समानांतर श्रेणी 7, 13, 19, -205 पदों की संख्या कितनी है, तो ये जो हो जाएगा यानी कि 34, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, 18 नंबर है, समानांतर श्रेणी 3, 5, 7, 9, 11 का ग्यारह डैश का एनवा पद होगा, तो ये जो हो जाएगा आप लोग को क्या आने की जो है 2π+1 हो जाएगा, राइट आंसर ए सही। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर 19 नंबर है, बिंदु 4, -3 की मूल बिंदु से दूरी है, तो ये जो दूरी हो जाएगा यानी कि 5, राइट आंसर बी सही। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर जो है 20 नंबर, साइन स्क्वायर
65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री का मान होगा, तो ये जो मान हो जाएगा आप लोग हल करेंगे तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 1 होगा, राइट आंसर बी सही है। 20 नंबर प्रश्न की नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर, बिंदु 3.0 एवं -5.4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है, तो ये जो हो जाएगा आप लोग को क्या यानी कि राइट आंसर -1.2 हो जाएगा, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर, बिंदु -3.5 का भुज है, तो ये जो भुज हो जाएगा यानी कि जो है यहाँ पर -3, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट 23 नंबर, द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु के नियामक होंगे, तो ये जो हो जाएगा आप लोग को -2.3, राइट आंसर बी सही है। 24 नंबर प्रश्न, किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक -3.05, -2 और यहाँ पर -8.5 हो तो उसके केंद्रक के नियामक होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तो आंकी राइट आंसर जो इसका -2.1 हो जाएगा, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 25 नंबर है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी बराबर 90 डिग्री है, तो कोस ए प्लस बी का मान है, तो ये जो हो जाएगा यानी कि जो इसका राइट आंसर 0, राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर है, 28 cm व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी, तो ये जो हो जाएगा यानी कि आप लोग को क्या यानी कि जो है 88 cm, राइट आंसर जो है आप लोग को बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 27 नंबर है, वृत्त की सबसे लंबी जीवा कहलाती है, तो वृत्त की सबसे लंबी जीवा जो है व्यास है, राइट आंसर बी सही। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर, टेन थीटा क्रॉस यहाँ पर कोट थीटा का मान है, तो ये जो हो जाएगा आप लोग को क्या आने की माइन यहाँ पर 1 हो जाएगा, राइट आंसर जो है बी सही है। 29 नंबर प्रश्न दिया गया है, टेन 35 डिग्री बाई कोट 55 डिग्री प्लस कोट 78 डिग्री बाई टेन 12 डिग्री बराबर है, तो क्या हो जाएगा आने की जो इसका राइट आंसर जो है 2 हो जाएगा, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो 30 नंबर है, यदि साइन थीटा बराबर ए बाई बी तब कोस थीटा का मान होगा, तो क्या हो जाएगा आने की जो यहाँ पर √b² - a² / b हो जाएगा, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 31 नंबर है, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो को थीटा का मान होगा, तो क्या होगा, तो आने की जो है √3 होगा, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर, यदि √3 tan 2θ = 3 तब थीटा का मान होगा, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा आने की जो है 30 डिग्री हो जाएगा, राइट आंसर जो है बी सही। नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर, sec 90 डिग्री -θ बराबर क्या होता है, तो आप लोगों को पता है कि cosec θ, राइट आंसर बी सही। नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर, r त्रिज्या वाले वृत्त में θ के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा, तो ये जो हो जाएगा आने की क्या आने की जो है π r² θ / 360 डिग्री, राइट आंसर डी सही। नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, उनकी परिधियों का अनुपात होगा, तो क्या होगा परिधियों का अनुपात, तो आपको क्या करना यहाँ पर जो है आपको राइट आंसर जो है 3 * 9 हो गया और 2 * 4 हो गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी कि यहाँ पर ए सही है। यहाँ पर कुछ प्रश्न जो है बीच में छूट गया है, तो यहाँ पर पेज जो है यहाँ पर छूट गया है। 39 नंबर प्रश्न, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 5 cm है एवं उसकी ऊंचाई 12 cm है, तो उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, तो क्या हो जाएगा यानी कि जो है इसका 65 π cm हो जाएगा, राइट आंसर जो आप लोग को बी सही है, 65 π cm², राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 40 नंबर है, यदि किसी घन की एक भुजा 5 cm है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, तो क्या हो जाएगा यानी कि जो इसका राइट आंसर जो आप लोग को 150 cm² हो जाएगा, राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न 41 नंबर, प्रथम 20 विषम प्रकृत संख्याओं का योग है, तो क्या हो जाएगा यानी कि राइट आंसर जो आप लोग को 41 का जो आप लोग को 400 हो जाएगा, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 42 नंबर है, 2.5, 7.3, 6.3, 8.6, 3 का बहुलक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी कि इसमें सबसे अधिक संख्या आपको कौन सा दिख रहा है, आपको पता होंगे कि सबसे अधिक वाले संख्या ही बहुलक कहलाते हैं, तो आपको क्या इसमें सबसे अधिक संख्या आपको कौन सा लग रहा है, जैसे मान गए कि 2 कई बार दिया है, 5 कई बार दिया गया है, 7 कई बार दिया गया है, 3 कई बार है, तो यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में जो यहाँ पर 3 ही दिख रहा है, 3 जो यहाँ पर 4 बार दिया है, तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को बी सही यानी कि 3 हो जाएगा, सबसे ज़्यादा इसमें 3 है, तो इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं सबसे अधिक वाला संख्या ही बहुलक कहलाता है, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 43 नंबर है, ए और बी का समानांतर माध्य है, तो इसे b/2 हो जाएगा, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 44 नंबर है, किसी बारंबारता सारणी का माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 है, तब माध्यिका होगी, तो माध्यिका जो यहाँ पर होगी 24, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 45 नंबर, यहाँ पर जो है 2.7
4.9.5.6.1 का माधिका है, तो माधिका जो यहाँ पर 5 है, राइट आंसर जो आप लोगों को क्या है आने की जो है 20 सही। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 40 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो ये जो नहीं हो सकती है यहाँ पर देख सकते हो 1-5 है, राइट आंसर जो यहाँ पर ये सही है। 47 नंबर प्रश्न, एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता जो है क्या होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता जो यहाँ पर 1 होती है, राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न 48 नंबर है, एक ठोस गोले को जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया गया, जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई होगी, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी, 12 सेंटीमीटर, राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न 49 नंबर है, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई एवं उसकी जमीन पर छाया की लंबाई बराबर है, तो सूर्य का उत्तरायण कोण, यानी कि यहाँ पर उन्नयन होगा, यहाँ पर उत्तरायण दे दिया गया है, उत्तरायण कोण होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आने की जो है 60 डिग्री हो जाएगा, राइट आंसर डी सही। नेक्स्ट प्रश्न 50 नंबर, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का मसा है, तो ये जो मसा हो जाएगा भाज्य संख्या का 1, राइट आंसर सी सही। नेक्स्ट प्रश्न 51 नंबर है, भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में शेषफल आर के लिए कौन सा संबंध सही है, तो इसका संबंध जो सही है आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर इसका संबंध सी सही है, यानी कि राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 52 नंबर, द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 7 = 0 का मूल्य की प्रकृति होगी तो क्या होगी, यानी कि राइट आंसर जो आप लोग को इसका राइट आंसर अवास्तविक होगी, राइट आंसर सी सही है। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे क्वेश्चन दिया गया है आप लोग को, कितना यहाँ पर सही ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, 100 में से जो आप लोग को 50 का सही सही जवाब जो आप लोग को OMR शीट में फिलअप करना है। और प्रश्न का मैं यहाँ पर उत्तर बता दिया, क्योंकि मैं सारा का सारा बताऊंगा तो यहाँ पर वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा।